फ्रेंड्स, मैं आपका दिव्य किचन में स्वागत करती हूँ। आज मेरी मम्मी बनाने जा रही हैं बेसन की सब्जी, तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। आपको बेसन की सब्जी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 टोमेटोज लिए हैं मीडियम साइज़ के, हरी मिर्ची ली है 2, मैंने यहाँ पे 15-16 लहसुन लिया है, और 4 पीसेस में मैंने अदरक काट लिया है, 4 ऑनियन लिया है स्मॉल और मीडियम साइज में, और यहाँ पे मैंने 1 बाउल ऑयल लिया है। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। ये हम फ्राई करने के लिए लिए हैं, हम बेसन की कतली बना रहे हैं तो उसको फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे तेल लिया है। स्वाद अनुसार आप अपने सेल्ट ले सकते हैं। 2 बाउल मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं, और यहाँ मसाला है। यहाँ मसाले में हमने लिया है हल्दी, सूखी हुई लाल मिर्च की पाउडर, गरम मसाला, और ये सब्जी मसाला, जीरा 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम, और हींग चुटकी थोड़ा सा लिया मैंने, और ये तेज पत्ता लिया है, 4 पीसेस मैंने तेज पत्ता के लिए हैं। सब्जी के लिए मसाला तैयार करेंगे ना, तो उसके लिए पहले हम इन सबको ग्राइंड कर लेंगे, हम इसको काट लेंगे अच्छे से, और अब अच्छे से ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। गैस को पहले हाई फ्लेम पे रखा था, अब लो फ्लेम कर दिया। थोड़ा गर्म होने के बाद कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें सरसों का तेल डाल दिया है 2 टीस्पून, थोड़ा इसे गर्म होने देंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें थोड़ा सा जो हमने 2 बाउल मैंने छोटे कटोरी में मैंने बेसन लिया है उसे डाल दिया है। पहले 1 बाउल डाला है, फिर पानी थोड़ा डालते डालते उसे मिक्स करना है। जैसे हम पकौड़ी के लिए तैयार करते हैं वैसे ही हमें तैयार करना है। इसे आराम से डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स तैयार हो सकते हैं, और बराबर हिलाते रहना है जिससे ये अच्छे से। हम दूसरी बाउल के जो हमारे बेसन थे उसे भी धीरे धीरे करके डाल रहे हैं। थोड़ा सा और पानी डालेंगे हम, एकदम पतला हमने बना लिया है गोल। थोड़ा आप अपने स्वाद अनुसार सॉल्ट डाल दीजिएगा, मैंने 1 चम्मच से भी थोड़ा कम सॉल्ट लिया है। मैं गोल इस तरह से तैयार करना है, फिर हम कढ़ाई में डाल देंगे। चलाते रहना है। अभी मैंने लो मीडियम रखा है, लो फ्लेम रखा है, थोड़ी देर बाद अब इसमें मीडियम फ्लेम कर देंगे, फिर थोड़ी बार हाई फ्लेम, फिर लो फ्लेम, मतलब इसे हमको बराबर फ्लेम चेंज करते रहना है और बराबर चलाते रहना है। हमारा कतली के लिए जो हम तैयार कर रहे थे वो थोड़ा रेडी हो गया है, ये थिक हो जाएगा बना करते करते, और ये बराबर हिलाते रहना है। आप देख सकते हैं कितना थिक है। फिर हम एक प्लेट लेंगे, यहाँ पे मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाला है, उसे अच्छे से फैला दिया है। अब जो यहाँ पे हमारा ये जो है उसे हम पलट देंगे, हो गया है तो अब इसे हम गैस बंद कर दे रहे हैं, इसे हम पलट लेंगे। और थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देंगे अच्छा फैला ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे काट लेंगे। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं,
हम बर्फी के शेप में काटते हैं, आप स्क्वायर भी काट सकते हैं। कतली के जो हमने बेसन का जो हमने बनाया था, थोड़ा सा हो गया है, सूख गया है और ठंडा हो गया, तब इसे हम काट लेंगे। आप इसे स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं, हम यहाँ पे बर्फी की शेप में काट रहे हैं। ये हमारा तैयार है, अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। हमने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, अभी हमारा हाई फ्लेम है। अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे, हमने जो 1 बाउल ऑयल लिया था हमने सारा डाल दिया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे सरसों का तेल दिया है, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। फिर इसे थोड़ा सा गर्म होने देना है, फिर हम सारी कतलियाँ हम इसमें डाल देंगे। हो गया, इसमें हम एक एक करके हमारी कतलियाँ डाल देंगे। कतलियाँ ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसे हम निकाल लेंगे। सब्जी की कतली रेडी हो गई है, अब हम ग्रेवी बनाएंगे। अब हम इसमें तेजपत्ता डालेंगे, फिर जीरा, ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम अनियन का पेस्ट डाल देंगे। पक जाएगा तो हम मिर्ची और अदरक का पेस्ट डालेंगे, लहसुन का भी। हम अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे थोड़ा सा पास में भूनना है, उसके बाद हम टोमेटो का पेस्ट डाल देंगे। हम मसाले डालेंगे, हल्दी, सब्जी मसाला, गरम मसाला और और सूखी हुई लाल मिर्ची की पाउडर, जिसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा भून जाएगा तो हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। ये टमाटर का पेस्ट, थोड़ा सा भूनेंगे, ये थोड़ा कमी तेल छोड़ेगा, उसके बाद फिर हम उसके बाद फिर हम पानी डालेंगे थोड़ा करके। बन गया है, पहले हम इसमें पानी डाल देंगे। अब इसमें हम सेल डालेंगे, अब उसको थोड़ा सा बॉईल होने देना है। ग्रेवी रेडी हो गई है, अब इसे हम एक बाउल में रख लेंगे इस तरह से।
फिर हम इसमें अपनी जो सब्जी तैयार किए थे वो डाल देंगे। अब हमारी रेडी है सब्जी, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छा बनता है। अब मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।